गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बाइंग का डिसीजन प्रोसेस क्या है। एक कंज्यूमर अपना डिसीजन मेकिंग करता है जब बाइंग रिलेटेड, तो वो किन स्टेजेस से गुजरता है, वही आज हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, एक कंज्यूमर जो होता है जब अपना बिहेव करता है, तो एक मार्केटर को एक बहुत बड़ा सोच होता है कि वो ये देखे कि क्यों और क्या कारण होते हैं, किन चीज़ों को वो ध्यान देता है कंज्यूमर जब वो बाइंग डिसीजन करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ, कैसे ये डिसीजन मेकिंग करता है। तो हाउ में हम ये कह सकते हैं कि दो ऑप्शन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। नंबर वन, कंज्यूमर में एक बाइंग डिसीजन, क्या कारण है, किन फैक्टर्स की वजह से वो बाइंग डिसीजन कर रहा है, यानी क्या फोर्सेस हैं जो उसे पुश करती हैं कि वो एक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे। एक दूसरा, कंज्यूमर यूजेस एंड डिस्पोजेस ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वो कैसे यूज करने वाला और कैसे उसको डिस्पोज करेगा, ये दो मैटर करती हैं चीजें। ये दोनों बातें बहुत मैटर करती है, तब एक कंज्यूमर अपना बाइंग बिहेवियर शो करता है। तो इन दोनों बातों को जब तक कि वो सोच ना ले, जब तक कि वो उसके बारे में अपनी राय बना ना ले, तब तक वो नहीं खरीदता चीज़ों को। तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो बाइंग रिलेटेड डिसीजंस जब लेता है, तो वो अपने परचेज करने के, यूज करने के, डिस्पोज करने के, और उनके लिए ऊपर कितना कॉस्टिंग खर्च करना पड़ा, ये सारी चीज़ों को वो एनालिसिस कर लेता है, देन ही मेक्स द बाइंग डिसीजन, राइट। तो अब आगे की बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो क्या ऐसे कारण हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से वो इन चीजों के रिलेटेड डिसीजंस लेता है। तो हम ये कह सकते हैं पांच इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन, एक कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या है, लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कितना है उसके साथ में कि वो उस चीज़ को खरीदे। अगर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, देखो हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट चीज़ें होती हैं, जब डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं तो हम उनके साथ हाई इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे सिंपल मेरे को नमक खरीदना है या मेरे को कोई डे टू डे लाइफ की चीज़ खरीदनी है, टूथपेस्ट ही खरीदना है सिंपल, तो मैं हाई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक जने ने पैसा दिया और वो जा करके लेके आ गया, वो चलेगा, सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है एक्सटेंसिव या जो कैपिटल ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, अगर घर खरीदना है, कार खरीदनी है या कोई कैपिटल गुड्स खरीदनी है, तो चार जगह पता करना पड़ता है, चार लोगों से राय लेनी पड़ती है, घर के चार लोग मिल करके एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट हाई होता है। तो कितना इन्वॉल्वमेंट है उस पर डिपेंड करता है, राइट। अब आगे की बात हो जाती है दूसरा, लेंथ ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन। किसी भी बैंक डिसीजन को लेने के लिए हम कितना समय खर्च करते हैं। एक तो मैं दुकान पे गया, चीज देखी, ये नहीं जच रही, दूसरी जच गई, दूसरी ले ली। एक मैंने कार खरीदनी है, ऐसा थोड़ी कि पैसा उठा करके मैं गया शोरूम पे, मॉडल देखा और लिया, बाइंग डिसीजन कर लिया और पेमेंट करके आगे ना। हम जब भी महंगी चीज़ें खरीदते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए जो यूज़ होने वाली हैं या एक परमानेंसी का जो मैटर होता है, उसमें हम चीज़ों के साथ हाई इन्वॉल्व होते हैं, साथ साथ टाइम भी कंज्यूम करते हैं उसमें। तो अगर रूटीन रेस्पॉन्डिव बिहेवियर होता है वो अलग टाइप का होगा, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग होगी तो एक या दो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते, और अगर मोर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो लोग जरा ज़्यादा टाइम लेते हैं, एक्सपेंसिव होती हैं वो चीज़ें, तब ऐसा होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई लग्जीरियस आइटम, कोई टेक्निकल आइटम, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं जो कि महंगी है, तो हम हमेशा हाई टाइम स्पेंड करते हैं खरीदने के लिए भी, और हम उसमें इन्वॉल्व भी ज़्यादा होते हैं। अब अगर कोई लिमिटेड होगा तो हम कम होंगे, और अगर रूटीन की चीज़ें होंगी तो उससे भी ज़्यादा कम होंगे। अब अगर हम बात करें कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कितनी है, दो बातें हमने बात कर ली, एक लेवल ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कितना है, एक लेंथ ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन कितना है। थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी कीमत क्या है, क्या वो मेरे बजट में आ रही है इजीली,
क्या मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा सेविंग निकालनी पड़ेगी, क्या मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तो वो जो कॉस्ट है ये मुझ पर बहुत असर डालती है कि मैं इसके लिए पैसा खर्च करने के लिए अगर रेडी नहीं हूँ तो मैं इसके बाइंग डिसीजंस को कितना जल्दी लूंगा और हाँ मैं लूंगा या नहीं लूंगा। ऐसे ही आता है डिग्री, कितना डिग्री हम उस पर अपना खर्च करते हैं, यानी वो ये कहना चाहता है कि डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च, हमारे पास में कितना इंफॉर्मेशन उसके बारे में है। क्या मैं अगर एक कार खरीदूं तो केवल दो लोगों से पूछ करके और मैं खरीद लूंगा? नहीं, बाजार में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, कौन कौन सी कंपनीज है, कॉस्टिंग क्या है, इवन किस किस शोरूम पे किस किस तरह के पार्ट्स अवेलेबल है, मैं मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा और उसके बाद मैं ये डिसीजन लूंगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, यहाँ से खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। आगे ऐसे ही एक बात होता है कि हम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव कंसिडर कितना करते हैं। जो अगर मैंने कार खरीदनी है और मुझे अगर हुंडई की कार खरीदनी है तो उस हुंडई के अलावा और कौन से ऑप्शन है जो मेरे बजट में आते हों, तो मैं उन ऑल्टरनेटिव्स पे कितना फोकस कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर्ड कितना फोकस कर रहा हूँ, ये पांचों बातें बहुत असर डालती है मेरे बाइंग डे पर। फिर से सुन लो, एक हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक हमारा लेंथ ऑफ टाइम टू मेक द डिसीजन, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एक नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव कंसीडर्ड। इन सारी चीज़ों का जब इतना ज़्यादा असर आता है तब हम ये कह सकते हैं कि हम कोई बाइंग डिसीजन करते हैं। अब जरा बात करते हैं, बाइंग डिसीजन करने से पहले डिपिक्ट किया जाता है कि क्यों और कैसे लोग अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये एक मार्केटर का काम होता है कि वो ये समझे कि लोग क्यों बाइंग करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो, चार तरह के व्यूज होते हैं एक मार्केटर के सोचने में कि एक कस्टमर किन किन दृष्टिकोणों से अपने बाइंग डिसीजन करता होगा। नंबर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक व्यू का मतलब है उसके लिए पैसे का मैटर कितना है। अगर 10 रुपए की चीज़ है और मेरे पास 1000 रुपए की कमाई है तो डजंट मैटर, मैं 10 रुपए की चीज़ को बिना कोई सोच समझ के, बिना ये देखे कि मुझे ये काम आएगी कि नहीं आएगी, खरीद लिया, कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर मुद्दा तब हो जाएगा जब चीज़ 1000 रुपए की और मेरे पास 200 ही रुपए है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कितना ज़रूरी है मुझे ये चीज़ को खरीदना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे एक बीमार आदमी है उसका इलाज करवाना है, तो मैं कर्जा भी ले करके उस पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। तो ये इकोनॉमिक व्यू हो गया। एक होता है पैसिव व्यू। पैसिव व्यू का मतलब है इरेशनल डिसीजन लेता हूँ या मैं रैशनल डिसीजन लेता हूँ, इम्पल्सिव लेता हूँ या मैं रिजिड लेता हूँ, डिपेंडिंग लेता हूँ या मैं प्रमोशनल एक्टिविटी से इंस्पायर होकर के मैं डिसीजन लेता हूँ, इसको बोलते हैं हम पैसिव, कुछ पुश कर रहा है। एक आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आता है मैं कितना अपने नॉलेज को, अपनी ज्ञान को यूज़ करता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सर्च करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं प्रोसेसर की तरफ ध्यान देता हूँ या नहीं देता हूँ, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ या मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न करता हूँ या नहीं करता हूँ। एक आता है इमोशनल व्यू। चार तरह के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक था, एक पैसिव था, एक कॉग्निटिव था और अब एक है इमोशनल व्यू। इमोशनल व्यू में कहता है अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं कई चीज़ें खरीद लेता हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ तो मैं सोचता हूँ कि खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। जैसे इस समय है, बहुत डरे हुए हैं लोग, COVID-19 की सिचुएशन इस तरह की है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोग, तो एक लव अफेक्शन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, लोग अपने परिवार की कीमत को समझ रहे हैं, हेल्थ को समझ रहे हैं, हाइजीन के मैटर को समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो ये जो हमारी फियर है या जो एटमॉस्फेयर है, हमारे इमोशंस है, ये सारी चीज़ें भी बहुत असर डालते हैं कि हम कोई चीज़ को कैसा खरीदेंगे। किसी सर्टेन प्रोडक्ट के साथ में हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसके साथ मेरी होप क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत असर डालती हैं। तो ये चारों व्यू हमें समझ में आते हैं। अब अगर बात करें कि किसी भी बाइंग डिसीजन को करने से पहले क्या तीन मोटी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो हमेशा याद रख लो, जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे, देयर मस्ट बी अ थ्री एलिमेंट। द फर्स्ट वन इज इनपुट, द सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड द थर्ड वन इज आउटपुट। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्चुअल वही प्रोसेस है। तो इनपुट में क्या है, इनपुट में हम डालते हैं किसी भी कस्टमर का जो साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इंडिविजुअल, सोशियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत असर डाल रहे हैं उसके ऊपर। इन सारी चीज़ों का असर क्या आएगा, ये असर आएगा कि मैं ये देखूंगा कि मेरा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है, मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मेरा इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। इन सब चीज़ों से मेरे को फर्क पड़ेगा कि मैं अपनी ज़रूरत को कितना पहचानता हूँ, द फर्स्ट नीड रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा, मैं किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ।
नंबर तीन, मैं ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन कैसे करता हूँ। अब ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करना है तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप भी तो करना पड़ेगा। यू हैव टू बी गैदर दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल्टरनेटिव, विच वन इज कंसीडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव, तो उनको फिर इवैल्यूएट करना, देन आई विल मेक द बाइंग डिसीजन, मैं परचेज करूंगा। एंड लास्ट होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, चीज को खरीदने के बाद का व्यवहार भी बहुत काउंट किया जाता है। एक मार्केटर के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि लोग मेरी चीज को एक बार खरीदेंगे या खरीदने के बाद लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, जिससे कि मेरी कस्टमर चेन और बढ़ जाए। तो अगर एक व्यक्ति ने एक बार कोई चीज खरीद ली, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। हाँ, एक व्यक्ति ने ना केवल खुद और बार खरीदी बल्कि और लोगों को भी बार बार खरीदने के लिए उसने इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर किया या इस तरह का माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो किया, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ये पोस्ट परचेज बिहेवियर भी बहुत बड़ा फोकस का काम होता है। तो जब एक मार्केटर होता है वो इनपुट पे काम करता है, नीड रिकॉग्नाइजेशन पे काम करता है, तो वो ये देखेगा कि कौन सी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाइज होती हैं जो एक व्यक्ति को इंसिस्ट करती है कि वो चीजों को खरीदे। इंटरनल स्टिमुलाइज का मतलब क्या होता है, उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी प्रेफरेंस स्टेजेस हो सकती हैं, वो किस लेवल पे है। और एक्सटर्नल में मेरी सोशल क्लास क्या है, मेरा कल्चरल वैल्यू क्या है, मेरा सब कल्चर क्या है, मेरा क्रॉस कल्चर क्या है, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो मेरा लाइफस्टाइल, मेरी प्रेफरेंसेस, मेरी साइकोलॉजी, मेरी लाइक्स नॉट लाइक्स, ये वाली सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, ये स्टेटस प्रेस्टीज, ये सारे मेरे इंटरनल मैटर हैं। और जो सोशल मैटर में हो जाता है कल्चर, वो सारे सब मेरे एक्सटर्नल मैटर होते हैं। इन सब के इन्फ्लुएंस में आकर मैं कोई चीज़ को खरीदने की सोचता हूँ। अब आप बात करेंगे क्या चीज़ें हमें स्टिमुलाई करती हैं। स्टिमुलाई करने के लिए देखो, हमारी साइट, हमारी स्मेल, हमारा टेस्ट, टच, हियरिंग, ये जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, ये फाइव सेंसेस, ये हमारे को बहुत असर डालते हैं कि हम किसी चीज के लिए एक्साइट होंगे। कोई चीज देखने में बहुत अच्छी है, कोई चीज टच करने में बहुत प्यारी है, कोई चीज को हम स्मेल कर रहे हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये फाइव सेंसेस हमें स्टिमुलाई करते हैं कि किसी चीज को हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। उसमें भी फर्क पड़ता है, मेरी उस चीज के साथ में वांट क्या है, मेरी नीड क्या है, मैं अनफुलफिल वांट्स को फिल करना चाहता हूँ या फुलफिलमेंट वांट्स को मैं फिल करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक साइकोलॉजिकल बहुत फर्क पड़ता है, मेरे दिमाग में कोई भी चीज है, खरीदना है नहीं खरीदना, उसके लिए मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ। इन्फॉर्मेशन जाने से लेकर के उसके एनालिसिस होने तक मैं हमेशा उस पर कार्रवाई करता हूँ। तो अब जब इन्फॉर्मेशन चली गई है, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना हूँ। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है मैं प्रोसेसिंग करूंगा। अब इस प्रोसेसिंग करने में मैं हर चीज को, चाहे नॉन मार्केटिंग कंट्रोल्ड मैटर हो या मार्केटिंग कंट्रोल्ड मैटर हो, उन सबको मैं दिमाग लगाऊंगा। अगर मैं नॉन मार्केटिंग कंट्रोल मैटर का हूँ तो हम ये कह सकते हैं जो प्योरिटी है या साइक्लोन है या मीडिया है या फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो सारी चीज़ों का असर डलता है। अगर मार्केट डोमिनेशन की बात करूँ तो एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं हम, जो लोगों की वेबसाइट्स पे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि कॉम्पिटिटर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव्स कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब मार्केट डोमिनेशन होता है, इन सब चीजों का हम पर असर आता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे प्री परचेस बिहेवियर को इंसिस्ट करती हैं, पुश करती हैं। अगर प्रोडक्ट का फीचर हो सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, इस समय सिचुएशन है कि सब लोग खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना है ना, मार्केट में हवा ऐसी हो गई है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो सकता है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हो सकता है या वैल्यू रिलेटेड कंसिडरेशंस हो सकते हैं, ऐसे होता है। कंज्यूमर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अगर डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो एक अलग तरह का फैक्टर हो सकता है, और एक पर्सनैलिटी वाइज बात करेंगे तो एक अलग तरह का फैक्टर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें काम करती हैं। जब नीड रिकॉग्नाइजेशन हो गई, इन्फॉर्मेशन सर्च हो गई, तो अब हम अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी उन जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, और उनके ऑल्टरनेटिव्स की वजह से हमारी जो यूटिलिटी है वो कितने लेवल तक फुलफिल होने वाली है। जब इन सब चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं, अब कॉस्ट के साथ में, चाहे टाइम के साथ में या मेरी यूटिलिटी के साथ में, देन मैं उन सब चीज़ों को इंटरप्रिटेट करती हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। जब ऐसा हो जाता है तो मैं अपने परचेज के डिसीजंस लेती हूँ। परचेज के डिसीजन जब लेंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं केवल मेरे उस पे लूँ,
मेरे साथ के लोगों का क्या मेरे ऊपर असर आता है, उनके एक्सपीरियंसेस मुझ पर कैसे आते हैं और मार्केट मुझ पर कैसे हावी होता है, मैं मार्केट की नब्स को समझ पाता हूँ या नहीं समझ पाता हूँ, देन आई विल मेक द परचेज डिसीजन। तो परचेज डिसीजन में भी देखो तीन तरीके की बातें हो सकती हैं। एक होता है ट्रायल परचेज, चलो लेके देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है रिपीट परचेज, मैं हमेशा ये खरीदता हूँ, हमेशा आगे भी ये खरीदता रहूंगा, दैट इज रिपीट परचेज। एक होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाली जो परचेजेस होती हैं, उसमें मुझे सोचना पड़ेगा इतना बड़ा पैसा लगेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मैंने खरीदना है तो ये मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, है ना। इस तरीके से हम परचेज कर लेते हैं। अब आता है लास्ट, पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या होता है, ये उनके इवैल्यूएशन प्रोसेस को बताता है, क्या मैंने ये जो अच्छा निर्णय लिया था या नहीं लिया था, क्या मैंने सही निर्णय लिया था या नहीं लिया था, क्या मुझे इसकी सही वैल्यू मिली कि नहीं मिली, इस तरह के वो क्वेश्चन अपने आप से करता है। अगर इसके आंसर उसके फेवर में आते हैं तो वो आगे भी वो चीज़ों को खरीदेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो अब वो आगे नहीं खरीदने वाला। देखो एक होता है उसने एक वन टाइम परचेज किया, एक होता है एक रिपीट परचेज करना। रिपीट परचेज में उसके पोस्ट परचेज बिहेवियर का बहुत मेजर रोल होता है, तो इसका मतलब वो अपने पोस्ट परचेज बिहेवियर में किस तरह से इन्वॉल्व होगा डिपेंड करता है कि उसको इस तरह की चीज़ों का सेटिस्फेक्शन कितना मिला है। तो बाइंग डिसीजन में हमारे कल्चरल, सोशल, इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल, अगर इन सारी चीज़ों का असर मान ले तो फिर उस पर वो एनालिसिस करता है एंड लास्ट वो ये चीज़ का निर्णय लेता है वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो इस तरीके के से करते उसकी चाहे वैल्यू, उसकी लैंग्वेज, उसके मिथ्स, उसके कस्टम्स, उसके मोरल, उसका पर्सनैलिटी, उसका लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस बहुत बड़े रोल प्ले के साथ साथ उसके रेफरेंस ग्रुप्स उसके ऊपर बहुत असर डाल रहे होते हैं, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा असर डाल रही होती है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो उसका खुद का जेंडर, उसकी एज, उसका लाइफ साइकिल, उसकी पर्सनैलिटी, सेल्फ कंसेप्ट, उसकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें उस पर बहुत असर डाल रही होती है। इंटरनल की अगर बात करें तो उसके परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर डाल रही होती है। देन इन सारी चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड जो प्रोसेस है उसका आउटपुट फॉर्म में हमें नजर आता है कि एक व्यक्ति ने कोई चीज़ को खरीदा या नहीं खरीदा। दिस इज द प्रोसेस। आप सोचो एक कस्टमर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ऐसा नहीं है कि पैसा लिया, मार्केट में गया, उसने पैसा दिया और चीज को ले लिया। इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा सीन होता है, उसको मैंने मेरे इस क्लास में समझाने की आपको कोशिश करी। पूरी उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको, मेरी क्लास समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगी। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। थैंक यू।